हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लासेस। मैं हूं अभिनव अवस्थी और आज हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, यदि एक्स का मान वाई के मान से 25% अधिक हो तो वाई का मान एक्स के मान से कम है और कितने प्रतिशत कम है यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें दो क्वांटिटीज़ दी जाती हैं और जिनके बीच में कंपैरिजन कराया जाता है। इसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की अपेक्षा कुछ अधिक या कुछ कम होती है और उसी के विपरीत यदि पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के मान से कुछ अधिक है तो दूसरी क्वांटिटी पहली क्वांटिटी से कितना कम है यह पूछा जाता है और इसी तरह से इसके विपरीत भी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला का यूज़ करेंगे और उस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए, जब कभी भी आपको एक्स का मान वाई से अधिक दिया जाएगा तो यह पूछा जाएगा कि वाई का मान एक्स से कितने प्रतिशत कम है। इसी के साथ साथ यदि x का मान y से कम दिया जाएगा तो आपको यह दिया जाएगा कि y का मान x से कितना अधिक है। तो इसके लिए हम अभीष्ट परिवर्तन का एक फॉर्मूला देखेंगे। अभीष्ट परिवर्तन, ठीक है, और अभीष्ट परिवर्तन में आप क्या निकालोगे? अभीष्ट परिवर्तन में जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आप निकालोगे। अगर आपसे कमी पूछी जा रही है तो आप कमी निकाल देंगे और अगर आपसे वृद्धि पूछी जा रही है तो आप वृद्धि निकाल देंगे। ठीक है, तो अभीष्ट परिवर्तन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? x अपान 100 प्लस माइनस x इंटू 100 और यह पूरी की पूरी वैल्यू काहे में रहेगी? परसेंटेज में रहेगी। अब सबसे पहले तो हम अपने फॉर्मूले को समझते हैं। जहाँ पर x क्या है, जहाँ पर x में जब हमें पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी अधिक या कितनी कम है जो दिया जाएगा वह x का काम करेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर प्लस और माइनस, इनमें से आप कोई भी एक चिन्ह यूज़ करोगे, या तो आप चिन्ह प्लस का यूज़ करोगे या आप माइनस का यूज़ करोगे। अब प्लस का चिन्ह कब यूज़ करेंगे? जब आपको कमी निकालनी होगी। ठीक है, जब आपको कमी निकालनी होगी अपने क्वेश्चन में तब आप पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तब आप पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे और इसी के विपरीत जब आप वृद्धि निकालेंगे तो उसके लिए आप निगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है y का मान x के मान से कम है, यानी कि हमें कमी निकालनी है। ठीक है, तो कमी के लिए हम अपने फॉर्मूले में कौन सा साइन यूज़ करेंगे? पॉजिटिव का साइन यूज़ करेंगे। तो अगर इसी फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करें तो जो कमी निकल कर आएगी, जो अभीष्ट कमी निकल कर आएगी वह क्या होगी? x अपान 100 और यहाँ पर हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कमी निकालनी है तो हमें प्लस का साइन यूज़ करेंगे। 100 प्लस एक्स इंटू 100 और यह पूरी की पूरी जो वैल्यू रहेगी ये किस में रहेगी? परसेंटेज में रहेगी। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। अब अगर मैं इसमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? 25 रहेगी अपान 100 प्लस, फिर से आप 25 लिख दोगे और इसमें क्या रहेगा? इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 और यह पूरा पूरा किस में जाएगा? परसेंटेज में वैल्यू ये रहेगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या रहेगा? 25/100 और 25 मिलकर कितना हो जाएगा? 125 और इंटू कितना रहेगा? 100 रहेगा। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू किस में आ रही है? आपकी परसेंटेज में आ रही है। अब इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो 25 एकम 25 और 25 पंजे 125। ठीक है, फिर इसको काट सकते हो आप 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 से और ये 0 बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20%। अतः वाई का मान एक्स के मान से 20% कम होगा। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 20% इज द राइट आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। इस क्वेश्चन में भी हमसे क्या कहा जा रहा है, यदि ए का मान बी के मान से 10% अधिक हो तो बी का मान ए के मान से कम है और कितने प्रतिशत कम है यहाँ हमें बताना है।
यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमें कमी निकालनी है, और हमें पता है कि जब हमें कमी निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x अपान 100 प्लस एक्स इंटू 100, और यह पूरी 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 की पूरी वैल्यू जो रहती है वो किस में रहती है, आपकी परसेंटेज में जाती है। ठीक है, तो x का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, 10% कर रहा है, अतः x की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे, 100 प्लस 10 और इंटू 100, और यह वैल्यू किस में रहेगी, आपकी परसेंटेज में रहेगी। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10, और ये नीचे कितना हो जाएगा, 100 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा, 110, और गुणे कितना रहेगा, 100 रहेगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, या पूरी की पूरी वैल्यू परसेंटेज में रहेगी। सॉल्विंग करने पे आपको कितना मिलेगा, सॉल्विंग करने पे आपको मिलेगा 100/11, और यह वैल्यू प्रतिशत में रहने वाली है। ठीक है, अब इस 100/11 को जब आप मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 99 हो जाएगा, और शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अतः 100/11 को आप क्या लिख सकते हो, 9 सही 1/11%, यानी कि b का मान a के मान से 9 सही 1/11% कम है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 9 whole 1/11% इज द राइट आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पीछे वाले क्वेश्चन थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि a का मान b के मान से 25% कम हो। पीछे के जो क्वेश्चंस थे उसमें पहली वाले जो क्वांटिटी थी उसकी वैल्यू दूसरे से अधिक थी, लेकिन यहाँ पर पहले वाले की वैल्यू b से क्या है, कम है, और कितने प्रतिशत कम है, 25% कम है। तो b का मान a के मान से अधिक है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि b का मान a के मान से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें वृद्धि निकालनी है। और जब हम वृद्धि निकालेंगे तो अपने फॉर्मूले में हम माइनस साइन का यूज़ करेंगे, यानी कि वृद्धि के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा वो क्या यूज़ करोगे आप, फॉर्मूला हो जाएगा x अपान 100 माइनस एक्स इंटू 100, और यह पूरी वैल्यू किस में रहेगी, परसेंटेज में रहेगी। x का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, 25 कर रहा है, तो आप 25x की जगह पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25 और इंटू 100। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ऊपर तो 25 का 25 ही रहेगा, और नीचे 100 माइनस 25 करोगे तो कितना होगा, तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और इंटू कितना रहेगा, 100 रहेगा। अब 25 वन जा और ये कितना हो जाएगा, 25 थ्री जा, तो ओवरऑल सॉल्व करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 100 अपान 3 कितनी मिलेगी, 100 अपान 3 प्रतिशत। ठीक है, अब इसको आप मिश्रित भिन्न में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 3 × 3 = 9, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, और फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अतः आप 100/3 को क्या लिख सकते हो, 33 सही 1/3%, यानी कि b का मान a के मान से 33 सही 1/3% अधिक होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, यदि a का मान b के मान से 20% कम हो। ठीक है, यहाँ पर भी a का मान b के मान से क्या है, 20% कम है, तो b का मान a के मान से अधिक है, और कितने प्रतिशत अधिक है यह हमें निकालना है। तो इसमें भी हमें क्या निकालनी है, वृद्धि निकालनी है, और वृद्धि के लिए आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, x अपान 100 माइनस एक्स इंटू 100, और यह पूरी की पूरी वैल्यू किस में रहेगी, परसेंटेज में रहेगी। ठीक है, तो जब आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो x का काम कौन कर रहा है, 20 कर रहा है, नीचे क्या रहेगा, 100 माइनस 20 गुणे 100, और यह किस में रहेगा, परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 20/80 गुणे 100। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, फिर 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 20, 4 × 5 = 20,
यानी कि ओवरऑल जो वैल्यू आएगी इसकी कितनी आएगी, 25% आएगी। कितनी आएगी? 25%। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि बी का मान ए के मान से 25% अधिक होगा। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। यह क्वेश्चन एक अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, जो कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, खपत के ऊपर क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को भी हम अपने प्रीवियस फॉर्मूले के थ्रू बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे हम कमी पे प्लस का साइन और वृद्धि पे माइनस का साइन यूज़ कर रहे थे, वैसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, अगर चीनी की कीमत 20% की वृद्धि होती है, यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, यानी कि अगर चीनी की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत आप कमी करो ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना रहे। ठीक है, जब खर्चे पर कोई भी प्रभाव ना पड़े ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी आप क्या करेंगे, पीछे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और पीछे वाले फार्मूले के उपयोग से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चीनी की कीमत में वृद्धि कितनी हो रही है, 20% हो रही है, यह किसका काम करेगा, एक्स का काम करेगा। और हमें निकालना क्या है कि खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, क्या निकालना है, कम की जाए, यानी कि हमें क्या निकालना है, कमी निकालना है, हमें कमी निकालना है। और कमी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपान 100 प्लस एक्स इंटू 100, और इसका क्या हो जाएगा, यह वैल्यू परसेंटेज में रहेगी। उसके बाद में एक्स की वैल्यू आप कितना पुट करोगे, 20 पुट करोगे, ये कितना रहेगा, 100 रहेगा प्लस 20 रहेगा इंटू 100 हो जाएगा। सॉल्विंग करने पे आपको ये परसेंटेज में रहेगा, सॉल्विंग करेंगे आप तो क्या मिलेगा, 20 नीचे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और गुणे में कितना रहेगा, 100 रहेगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 6 12। ठीक है, उसके बाद में अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 3 6, और ये कितना हो जाएगा, 2 5 0, और ये 0। ठीक है, तो ओवरऑल सॉल्विंग करोगे तो आप कितना होगा, ओवरऑल सॉल्विंग करने पे होगा 50/3%। ठीक है, और अगर आप इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करोगे तब क्या होगा, 25/3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 3 2 बचेगा, 0 लिख लोगे आप, 3 6 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि इसको जब आप मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 16/2/3%। अतः चीनी की खपत में 16/2/3% की कमी की जाएगी, जिससे उस पर होने वाला खर्चा क्या रहेगा, पहले जितना रहेगा। यानी कि खपत में आपको 16/2/3% की कमी करनी होगी। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रही है, चीनी के दाम में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसे ही रखना चाहे, यानी कि जब चीनी, देखिए अब सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इन क्वेश्चंस में होता क्या है। देखिए मान लेते हैं कि चीनी की जो कीमत है वो 50 रुपये प्रति किलो है। अब होता क्या है, अगर उसकी चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है, ठीक है, तो बढ़ जाने के बाद में जो उसकी नई कीमत हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, वह आपकी हो जाएगी 62.50 रुपये। अगर हम 50 रुपये किलो ना लेकर के उसको हम 40 रुपये प्रति किलो लेते हैं, तो 40 रुपये प्रति किलो अगर उसकी कॉस्ट है और 25% उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो नई कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 रुपये प्रति किलो हो जाएगी। ठीक है, अब 40 रुपये प्रति किलो अगर है तो आप अगर 10 किलो चीनी लेना चाहें तो आपको कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, 400 रुपया खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अब चीनी का मूल्य यदि बढ़ जाए तो अब चीनी 25% जब बढ़ जाएगा उसका मूल्य, तो चीनी का नया मूल्य हो जाएगा 50 रुपया प्रति किलो, जिसकी वजह से आपको 10 किलो चीनी खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, 500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। अब हमसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि चीनी की खपत आप
कम कर दीजिए, क्योंकि आपको पैसे उतने ही पे करने हैं जितने आप पहले पे कर रहे थे। यानी कि अब आपको 400 रुपये में ही चीनी खरीदनी है। तो जब आप 400 रुपये में ही चीनी खरीदोगे और चीनी का मूल्य पहले से 25% बढ़ चुका है, तो 400 रुपये में आप पहले जितनी चीनी नहीं खरीद पाओगे। अतः चीनी का जो क्वांटिटी होगा वह कुछ कम हो जाएगा, और चीनी का क्वांटिटी कितना प्रतिशत कम हो जाएगा वही हम इन क्वेश्चंस में लगाते हैं। तो इन क्वेश्चंस में भी हमें क्या निकालना है, कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले से ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, कमी निकालना है। और कमी के लिए आपको पता है कि कमी के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ करते हो, एक्स अपान 100, और यहाँ पर कमी हो रही है तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, और एक्स हो जाएगा इंटू 100, और यह पूरी की पूरी वैल्यू किस में रहेगी, परसेंटेज में रहेगी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एक्स का मान 25 रखेंगे आप, 100 प्लस 25, ठीक है, और इंटू क्या रहेगा बाहर, 100 रहेगा, और यह पूरी की वैल्यू किस में रहेगी, पूरी की पूरी परसेंटेज में रहेगी। अब यह कितना हो जाएगा, 25/125 गुणे 100, ठीक है, तो 25 एकम 25 हो जाएगा, 25/5 125 हो जाएगा, 5 एकम 5 रह जाएगा, 5 दुनी 10 हो जाएगा और 0, और ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, 20 आएगी, और यह वैल्यू किस में आएगी, प्रतिशत में रहेगी। ठीक है, यह वैल्यू किस में रहेगी आपकी, प्रतिशत में। अतः परिवार को चीनी की खपत में 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, और 20% की कमी करने पर उस पर होने वाला व्यय क्या रहेगा, सेम रहेगा। अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर दिया गया है, दर को 40% कम कर दिया गया है, जबकि पीछे के क्वेश्चंस में जो दर थी उनमें क्या की जा रही थी, वृद्धि की जा रही थी। तो यह क्वेश्चन उन्हीं के जस्ट अपोजिट है। तो 40% की कम कर दी जाए तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, खपत में क्या करना है, वृद्धि करनी है। ठीक है, आप इस पे ही ध्यान देंगे कि आपको करना क्या है। अगर आपको वृद्धि करनी है तो आप वृद्धि वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृद्धि का फॉर्मूला होता है x माइनस 100। ठीक है, x माइनस 100 और ओवरऑल क्या रहेगा आपका, प्रतिशत में रहेगी ये वैल्यू। ठीक है, तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो x का काम इसमें कौन कर रहा है, 40 कर रहा है, यानी कि 40/100 माइनस x, और x का काम यहाँ पर से कौन कर रहा है, 40 कर रहा है, और इंटू 100, और यह वैल्यू किस में रहेगी, पूरी की पूरी प्रतिशत में रहेगी। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, 40/60 गुणे 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 दुनी 4, यह हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 200/3। ठीक है, और यह वैल्यू जो रह रही होगी या पूरी की पूरी किस में रहेगी, परसेंटेज में रहेगी। अब सबसे पहले तो आप इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब आप इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 3 6 18 2 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 6 18 फिर से 2 बचेगा, और ओवरऑल जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 66/2/3%। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की खपत में 66/2/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे उसकी आय में कोई भी परिवर्तन नहीं रहे होगा, उसकी आय अपरिवर्तित रहेगी। अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 66/2/3% क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई। ठीक है, यानी कि कोई भी जो वस्तु थी उसका कुछ भी मूल्य था और उसके मूल्य में हमने क्या कर दिया, 25% की कटौती कर दी। कटौती का मतलब कमी कर दी, इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए,
यानी कि अब हम इसके मूल्य को फिर से बढ़ाएं और कहाँ तक ले जाएं, इसके आरंभिक मूल्य में, जो इसका शुरुआत में था, ठीक है, कि मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी, इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में जो नया मूल्य है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे यह आरंभिक मूल्य में पहुंच जाए। तो हमें इसमें भी क्या करनी है, वृद्धि करनी है। और आपको पता है जब आपको वृद्धि करनी होगी तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप वृद्धि के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वृद्धि बराबर एक्स अपान 100 और वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इंटू 100 और ओवरऑल ये क्या रहेगा, परसेंटेज में रहेगा। उसके बाद में जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, 25 कर रहा है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, 25 अपान 100 माइनस 25 और इंटू क्या रहेगा, 100 रहेगा और यह क्या इसमें रहेगा, परसेंटेज में रहेगा, ठीक है। 25 100 से 25 आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा गुणे 100, ठीक है, और ये ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, परसेंटेज में रहेगी। तो 25 एकम 25 और क्या क्या हो जाएगा, 25 या 75, ये कितना हो जाएगा, 100/3%, ठीक है। और आपको पता है 100/3% को आप क्या लिख सकते हो, 33 1/3%, जब आप इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करोगे। अतः जो नया मूल्य है उसमें 33 1/3% की वृद्धि करने पर आप उसको उसके आरंभिक मूल्य पे ले जा सकते हो। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 33 1/3 इज द राइट आंसर। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।